This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. क्या हुआ है? बधाई हो, Go Tripper हुआ है. Welcoming new Go Tripper in the family. आज के शो का नाम बधाई हो, और बधाई देने के लिए मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम गुड़गांव अंजू कुमारी. अंजू के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी अंजू से ही, तो वो आती तो वैसे झारखंड से है, धनबाद से. एंड आई थिंक वी ऑल नो अबाउट धनबाद इन द स्टोरी ऑफ धनबाद, द प्लेस दैट गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज शॉट इन, एंड द फिल्म दैट एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर अनुराग कश्यप एंड ऑल्सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी. अंजू कुमारी वहीं से है. अंजू, अ वार्म वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर द वेलकम. अंजू जी, आपको MMT ज्वाइन करे अभी कितने महीने हुए हैं? एक्चुअली मुझे 3 महीने कम्प्लीट हो गए हैं आज. अच्छा, और आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हैं, क्या संभालती हैं आप? फाइनेंस एंड अकाउंट में मैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हूँ, और ट्रेजरी में मेरा रोल फंड मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑडिटर एंड बैंकिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड है. क्या बात है. तो आप पढ़कर क्या आई थी कि आपको सीधे सीधे ट्रेजरी में डाल दिया और आप वहाँ पर भी फंड मैनेज करती हैं? एक्चुअली मैं बीकॉम बैकग्राउंड से ही हूँ, और अच्छा, मेरा पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी फाइनेंस में ही है. So that's why ये मैं earlier भी मैं treasury profile में ही थी, but not that more learning के लिए मैंने यहाँ पर set करा और treasury profile यहाँ पर मुझे as my desired role यहाँ पर मुझे मिला है. बहुत खूब. तो finance समझती हैं, ऊपर नीचे fund को कैसे करते हैं, liquidate कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब सीख रही हैं आप? Yes yes. MMT में अब तक का सफर कैसा रहा है? एक्चुअली मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने मिल रहा है जो अर्लियर मैं अभी तक सीख नहीं पाई थी. मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके. वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वर्क इन्वायरमेंट बिल्कुल चल रहा है, वर्क प्रेशर इतना नहीं है जितना अर्लियर मुझे था. वर्क लाइफ बैलेंस मेरी बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत अच्छा. क्या बात है. जब वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है ना, तो मेरा ख्याल है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसके लिए जितना भी काम आए तो भी आप बहुत अच्छे से निभा पाते हो. Yes, यही एक रीजन है कि मतलब मुझे सीखने का और मन करने लगता है कि नहीं और कुछ भी है तो लाओ, मुझे करना है, मुझे सीखना है. बिकॉज टाइम मैनेज हो जाता है, नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं, तो और क्या चाहिए मुझे बस. काफी सारी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ये नहीं कर पाती है, ये वर्क लाइफ बैलेंस अपने एम्प्लॉइज को नहीं दे पाती. MMT में आपको क्या लगता है इतनी क्या खास बात है जिससे कि ये वर्क लाइफ बैलेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंजू जी? ऐसा है कि मेरे डिपार्टमेंट में जो चीजें हैं ना वो इतने प्लान्ड वे में हैं और इतने डिसिप्लिन्ड वे में उसको मेरी मैनेजर ने उसको कर रखा है, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ फिलहाल तो अभी. तो वो इतने डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि अगर चीजें अगर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, कुछ अगर आ भी जाता है कुछ एक्स्ट्रा काम, तो वो इजिली मैनेज होता जाता है विद इन द टाइम. सो ये मेरे को लगता है कि मतलब अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें हैं और अगर अपने पास कुछ चीज एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो वी कैन इजिली मैनेज और हैंडल. सो बहुत अच्छा है ये मतलब. तो आपको ये भी लगता है कि हर एक की जिंदगी में हम जितना ऑर्गेनाइज्ड रहे, जितना प्लान्ड रहे, उतना ही ज्यादा हम अपनी गोल्स और एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम. ऐसा कौन सा गोल है, चलिए ट्रैवल में ही, जो आपने हासिल किया है अच्छे प्लानिंग से, ऐसा कुछ याद आता है आपको? मैंने बहुत ट्रैवल करा है लाइक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ट्रैवल ना प्लान्ड ही होता है. तो अच्छा, मैंने जब जो जो ऑलरेडी वीडियो इधर उधर से देख करके हमने आइटनरी बनाई, ये गए वहां गए, टाइम से गए, तो वो फॉलो करके ना हमने हर बार टाइम सेव ही करा. तो बस वो ट्रेवल टाइम को, ट्रेन लेट्स एंड बस लेट्स वो छोड़ करके अदरवाइज हमने हर चीजें टाइम पर करी है, तो वो घूमना रिलैक्स करना सेम टाइम पर हमें हर बार अचीव हुआ है, तो आई लाइक दैट. बहुत अच्छे. इससे ये पता चलता है कि जितनी MMT ने मेहनत की है अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने में और प्लान्ड वे में इसको आगे बढ़ाने में, और उतना ही समय रिसर्च में डालने में ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करते जाए. आई थिंक MMT इज अ विनर ऑल द वे थ्रू. आज तक मैंने जितने भी एम्प्लॉय से बात की है, सबको सिर्फ यही कहना है कि बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है एट MMT.
वैसे घूमने वाली चीज तो है ही आजकल हमारी देश में, इतनी सारी अच्छी अच्छी शहर है, इतने सारे अच्छे अच्छे हेरिटेज स्पॉट्स हैं, फूड एंड कल्चर बिल्कुल अलग है। हर 100-200 किलोमीटर में खाना बदल जाता है, वहां का रंग बदल जाता है, लोगों की भाषा बदल जाती है, इतनी डाइवर्सिटी और कहीं भी दुनिया में नहीं है। तो आपको गर्व महसूस होता है भारतीय होने का? श्योर, मैं बहुत प्राउड हूँ और मेरा पहला प्रेफरेंस भी यही होगा कि मैं पहले इंडिया कवर कर लूँ घूम करके, उसके बाद मैं फॉरेन ट्रिप करूँ। अभी तक मैंने नहीं कर रहा है और आगे भी मैं पहले इंडिया कवर करना चाहूँगी। यहाँ बहुत ब्यूटी है, बहुत ज्यादा नेचुरल, मुझे नेचर से कनेक्ट रहना बहुत पसंद है और यहाँ पर वो चीज़ है। उसके बाद मैं फॉरेन जाना प्रेफर करूंगी। अभी फिलहाल बहुत टाइम के लिए मेरे पास इंडिया है, बहुत जगह इंडिया में। अच्छा, जिन जिन जगहों पर आप ऑलरेडी होकर आई हैं, उनमें से दो या तीन का नाम बताइए। कुर्ग और उदयपुर, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फेवरेट प्लेसेस में से है मेरे वो, चिकमंगलूर, कुर्ग एंड उदयपुर। ऐसे और भी जगह हैं बट ये फेवरेट है मेरे। अच्छा अच्छा, ये फेवरेट है तो फेवरेट मेमोरीज भी यहाँ से होंगी। तीनों में से कोई एक ऐसी मेमोरी शेयर कीजिए जो के मतलब छाप छोड़ चुका है आपके मन में। उदयपुर। अच्छा, क्या किया उदयपुर में? एक्चुअली मैं बिल्कुल झारखंड से हूँ और वो बिल्कुल राजस्थान का कल्चर एंड ऑल, कल्चर मुझे बहुत पसंद आया, फूड डिफरेंट हुआ, ड्रेसेस एंड ऑल, मतलब सारी चीजें वहाँ बहुत अच्छी, वेदर भी थोड़ा चेंजेस मिला। मैं नवंबर में गई थी तो वहाँ का वेदर उस टाइम पे बहुत अच्छा था। वहाँ पर मुझे पहाड़ और वो लेक के बगल में बैठना, मीन्स मिक्स दोनों, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मॉनसून पैलेस से जो पूरे उदयपुर सिटी का व्यू आता है वो बहुत अच्छा था। हाँ, वैसे बहुत ही छोटा सा शहर है और बहुत ही प्यारा सा शहर है। अच्छा, अब जब आप इतना ट्रैवल करती हैं, आपको पसंद है और आप कहते हैं कि भारत पहले आप खोजोगी, एक्सप्लोर करोगी, उसके बाद ही कोई फॉरेन कंट्री में जाओगी, यहाँ पर एक ट्रैवल कंपनी में आकर आपको ऐसा लगता है कि और काफी सारी चीजों के बारे में पता लग रहा है, चाहे वो ऑफर्स हो या जगहें हो? या मेरे लिए इजी हो गया है, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। जिस फोन उठाओ MMT खोलो और कहाँ पर कितने चीज है, आइटनरी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां से सारी चीजें रेडीमेड मुझे मिल जाती है। ट्रैवल के बारे में नॉलेज, कहाँ जाना है, कैसे करना है, पैकेजेस बहुत औसम है। फिर वो आई लाइक दैट ट्रेन रेलवे वाला पार्ट, दैट जहाँ पर आपको टिकट कंफर्म भी मिलती है, कुछ इनके ऑफर है, रेड बस इज हमेशा से प्रेफरेबल था। यहाँ MMT ज्वाइन करने के बाद, MMT यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे और मौका, मतलब इनकरेज करता है मुझे, और जाओ घूमो। मुझे ये भी बताइए कि जब आप ट्रेजरी में काम कर रही हैं और MMT के बारे में आप ज्यादा जानकारी रखते हैं इन टर्म्स ऑफ की फाइनेंसेस MMT के कैसे चलते हैं, MMT कैसे फेयर प्रैक्टिसेस में बिलीव करती है, चाहे वो फाइनेंस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, और आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो MMT ऊंचाइयों तक तो पहुंच चुका है, आगे भी काफी ऊंचाइयों तक जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, जरूर जा रहा है, जब ऊंचाइयों तक आ गया है तो और ऊपर जाएगा ही। तो अगला होगा एक रैपिड फायर राउंड, काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। ये तो आपके बारे में थोड़ी और जानकारी के लिए ही प्ले किया जाता है, इट्स अ फन राउंड। आर यू रेडी फॉर दिस अंजू? या ओके, द रैपिड फायर राउंड। मूवीज में कौन सा जॉनर देखना ज्यादा पसंद करती है, रोमांस, एक्शन या हॉरर? नहीं, मुझे सस्पेंस एंड थ्रिलर ज्यादा पसंद है, तो वो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। चलिए, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, ड्रामा, कितने सारे हैं। अच्छा, तो आपको थ्रिलर्स और मिस्ट्री पसंद है, कोई मूवी का नाम याद आ रहा है? नहीं, मुझे नाम एक भी याद नहीं आती है, साउथ की बहुत सारी होती है इसीलिए मुझे नाम नहीं याद आती है। चलिए आगे बढ़ते हुए, हु इज योर फेवरेट एक्टर? आयुष्मान खुराना। अच्छा बताइए कि क्या आप चाय पीना पसंद करती हैं या कॉफी? मैं कॉफी पसंद। एडवेंचर जो एक्टिविटीज हैं, क्या क्या किया है आपने? स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, ऐसा कुछ किया है आपने? नो, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है और मुझे डर भी लगता है, मुझे करना भी नहीं है। अंडर वाटर एक्टिविटी आई कैन ट्राई, बट बंजी जंपिंग तो बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम, क्या पता एक दिन आप वो ट्राई करने के लिए भी हिम्मत जुटा पाए। बताइए दो कंट्रीज के नाम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जहाँ आप जाना चाहती हैं, आपकी दिली तमन्ना है। वहाँ ही बहुत सारी चीजें हैं। म्यूजिक किस किस्म का आप सुनना पसंद करती हैं? पुराने भी अच्छे लगते हैं। हाँ,
अभी से ज्यादा अच्छे मुझे पुराने वाले ही लगते। आपके जॉब में MMT में सबसे फेवरेट चीज आपका क्या है, आपको क्या लगता है? मेरा जॉब ही मुझे बहुत पसंद है, ये रोल ही मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, आप मुझे लगता है MMT को नई ऊंचाइयों पर जरूर ले जाओगे अपनी टीम के साथ, अपने मैनेजर के साथ, बॉस के साथ। अंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालकर मेरे साथ बात करने के लिए। विद दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द शो टुडे। बधाई हो अंजू कुमारी के साथ जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ट्रेजरी डिपार्टमेंट में है, बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अंजू। थैंक यू सो मच। दिस इज गो MMT रेडियो। I am your host Annie. I will be seeing you again on Wednesday on Trips Don't Lie. Till then, ciao. Mere bina main rehne laga hu, teri hawa mein rehne laga hu, jaane main kaise तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ, तुझको जो पाया आहा, तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ वो बेसब्रियाँ वो कितना हूँ चाहता, कैसे कहूँ तुझे साया तेरा दिखे तो चूम लूँ से जिस दिन तुझे मिलूँ। दिल ये दुआ करे दिन ये खत्म ना हो, ना शाम को ढले, यही है मेरी आँखों ने कसम है आज, यही है तुझे ख्वाबों में हमेशा हरदम हर पल हर शब हमदम हमदम, ये ली है मेरी आँखों ने। Thank you. Good morning, make my trip. This is Virinder Sehwag on your very own Go MMT Radio. Get set, go. Go MMT Radio. Action, go. To listen to your favorite Go MMT Radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn and Instagram. Visit the Go MMT Radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.